अभी बज रहे 3:50, तो मैं जा रहा हूँ आज एनी सर से मिलने, और एक स्पेशल इंसान और है जिससे मैं आपको मिलाने जाऊँगा। वैसे तो एनी सर आप भी मेरे लिए स्पेशल ही हो, तो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संस्कार एंड यू आर वॉचिंग HD व्लॉग्स। तो अभी मैंने सोचा कि भाई इतनी धूप है बाहर, तो अपनी कार से जाता हूँ आज, तो चलो अब सीधा वहीं चलता हूँ और वहीं जाके आपसे बात करता हूँ। यार यही एंगल सही था, चलो कोई टेंशन नहीं। अभी मैं आ चुका हूँ एनी सर के पास, एनी सर करवा रहे हैं अपना हेयर कट। सर के कुछ सिनेमैटिक्स ले रहा हूँ मैं आज, ट्राई कर रहा हूँ यार, सर अगर गंदे आए होंगे तो उसके लिए सॉरी। तो अब देखते हैं सर के कुछ बिहाइंड द सीन्स। देखो हर व्लॉगर का एक ना एक बिहाइंड द सीन होता ही है, वो पोस्ट क्रेडिट में डाल देता है या फिर बिहाइंड द सीन करके एक वीडियो बना देगा, ऐसा कभी कुछ भी है, जैसा भी है। तो चलो आज देखते हैं एनी सर के कुछ बिहाइंड द सीन्स की कैसे रहते हैं वो। भाई हर एक व्लॉगर काफ़ी मेहनत करता है ना, तो इसके लिए देख लेते हैं। पीछे बैठे हैं एनी सर, और सर कुछ बोलिए हमारे लिए। आज संस्कार को मैंने पकड़ लिया है एंड उसका पूरी तरीके से फायदा उठा रहा हूँ। एंड जे था नहीं आज साथ में, तो मैं सोच रहा था अकेले जाके कैसे शूट होगा, लेकिन संस्कार मिल गया, तो संस्कार को बोला चलो मेरे साथ और मेरे सिनेमैटिक्स देखे देखो। तो मेरे चैनल पे जो भी आज सिनेमैटिक है वो संस्कार ने सारे लिए हुए, बहुत अच्छा लेता है। थैंक यू सर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। सो फाइनली मेरा हेयर कट हो गया, तो थैंक्स अ लॉट राज भैया, आपने फिर से मेरे को स्मार्ट बना दिया। एंड मुझे 4 महीने से लग रहा था कि मैं बहुत खराब दिख रहा हूँ। फाइनली एनी सर का हेयर कट हो गया, सर आपको कैसा लग रहा है ये बता। अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना ऐसे जंगल अंगल गुफा उफा में फंसा हुआ था एंड खुद को अनकंफर्टेबल लगता है ना। तुमको पता है मैं हर 15 दिन में बाल कटाता था, तो अभी कैसा ग्रूमिंग जो मैं मेंटेन करता था बहुत बुरा लग रहा था, कि खुद को ही देख के मिरर में लगता था कि मैं स्मार्ट ही नहीं दिख रहा हूँ, फिर लोग कैसे पसंद करेंगे, है ना। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि ग्रूमिंग करना, तो फाइनली कटा लिया। एंड अब जाके मुझे, मैं वहां बता रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही में स्मार्ट दिख रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ना कि संस्कार के इसमें ही कमेंट करना कि मैं कैसा दिख रहा हूं। पहले तो बहुत खराब हालत थी, ऐसे 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 बाल थे। सर का एक बिफोर वाला फोटो दे दूंगा दे देना। एंड संस्कार ने आज मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। एंड जे आया नहीं था आज, इसको कॉल कर रहा था तो वो कहीं फंसा हुआ था काम में, तो संस्कार ने मेरे सारे सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे से ले लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। जे तू जॉब से निकलने वाला बेटा अभी संस्कार ही आए। और सर अगर सिनेमैटिक थोड़े खराब आए होंगे तो उसके लिए नहीं, बहुत अच्छा। मेरे को तो मैं लास्ट ब्लॉग की जैसा बात कर रहा था, मुझे इतना मजा आया ना देख के, क्योंकि मुझे कैसा ब्लॉग, मुझे ऐसा सिनेमैटिक कोई ले रहा है अच्छे से या फिर कोई मेहनत कर रहा है ना, तो समझ में आता है। एंड आप लोग भी इतना ज्यादा ये मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितना टाइम लगता है कोई भी वीडियो को शूट करने में। एंड शूटिंग तो चलो एक बार कर भी लेंगे, लेकिन साथ में उसको बैठ के एडिट करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। म्यूजिक चूज करना पड़ता है, कलर टोन सेट करना पड़ता है, कैसे जगह पे कैसी चीज है, तो एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि कितना ज्यादा हार्डवर्क लगता है। तो इसी बात पे आप लोग डिसलाइक करने के पहले 10 बार सोचना, आपको आप अपने आप को रख के देखना कि ये कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है अपने पढ़ाई के साथ। इसी बात पे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना, बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा चाहिए अभी हमको, तभी तो बढ़ेगा ना हमारा नागपुर आगे। बिल्कुल सर, थैंक्स अ लॉट, माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो आज मैं आपको एक स्पेशल इंसान से मिलाने जाऊंगा जो मेरे वीडियो में पहले आया, लेकिन मेरे पास तब कैमरा नहीं था, तब अच्छे से शूट बिल्कुल नहीं किया था, तो आज वो आ गया है नागपुर। आज मैं आपको मिलाने जाता हूँ उस ऐसे शख्स से जो मेरे लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी उसका मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल किया उसको मैंने, बस आ रहा है 2 मिनट में। तो फाइनली मेरा दोस्त आ गया है, फाइनली ये आ गया। इसको आपने पहचाना हो तो अच्छी बात है, नहीं पहचाना हो तो भी अच्छी बात है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के साथ, इसका नाम है यश। भाई देख तो ले इधर, क्यों शर्मा रहा इतना, इसको थोड़ी बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मेरे को कोई शर्म नहीं है, अपन तो बेशर्म है वैसे भी, लेकिन यश को हॉस्टल में सब लोग बेशर्म बोलते थे, एम आई राइट? ना ना ना, चलो ऐसे कैसे। तो हम लोग को चाहिए एक एक्सटेंशन बॉक्स, देखते कहाँ भाई मिल जाए तो भाई अच्छा हो जाएगा, लेट्स सी। तो भाई अभी हम लोग दूसरी जगह आ गए इलेक्ट्रिक पे, भाई जो शॉप थी बड़ी मुश्किल से मिली है भाई, तो देखते इधर मिलता है कि नहीं वो। तो यश भाई तुमको मिल गया तुम्हारा एक्सटेंशन, अभी तुम्हारा जो हेयर कट की प्रक्रिया है वो होगी कल, बिकॉज दुकान बंद है
आकाश भैया का दुकान बंद है आज, तो इसके लिए मैं यश को आज बोल रहा हूँ भाई हेयर कट मत करा। आकाश भैया के यहाँ से करा के देख ले भाई एक बार, तब इसको समझ में आ जाएगा कि आकाश भैया के यहाँ पे कितना प्यारा हेयर कट होता है। तो भाई सबर रख ले एक दिन, ठीक है, जोर से बोलना, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं चटोरी स्ट्रीट भाई, भूख लगी थी। यश क्या ऑर्डर किया भाई आपने? देख वहाँ लिखा है नाम फ्रैंकी ऑर्डर किया है, अभी खाते हैं और बताते हैं भाई टेस्ट वगैरह कैसा है। थोड़ा फूड ब्लॉगिंग अपन ने स्टार्ट कर लिया भाई, फूड ब्लॉगर नहीं हूँ ना, पर ये बात ध्यान में रखना। 2017-2020 और 2020 के बीच में हम यहाँ पे हैं यश के साथ। यश इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो इसके लिए वो थोड़ा शर्मा रहा है। नहीं, तो भाई मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, शर्मा नहीं रहे, बोलता है भाई बाल वाल अच्छे से सेट हो जाएंगे फिर आऊँगा तेरे कैमरे पे। तो कल इसका हेयर कट करवाने वाले भाई अपन आकाश भैया के यहाँ पे, तो फिर कैसा भाई बोलो, उसके बाद आएगा ना, उसके बाद अच्छे से इसको अपन लेंगे और थोड़ी बहुत हॉस्टल की मेमोरीज भी आपसे शेयर करूँगा मैं। करेगा ना हॉस्टल की मेमोरीज शेयर? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कल फ्रैंकी खाने के बाद यश के साथ ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, आज उसके पास फिर जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, आज टू व्हीलर पे जा रहा हूँ भाई अपनी एक्सिस पे। तो इसके लिए भाई धूप में जा रहा हूँ तो इसके लिए ये सब पहने, डरो मत कहीं ऐसा चोरी वोरी करने नहीं जा रहा हूँ मैं। मेरे गार्ड भी अभी हंस रहे हैं देख के डाकू बोल रहे थे, चोरी वोरी नहीं करने जा रहा हूँ, बस उससे मिलने जा रहा हूँ। धूप बहुत है, एक बार धूप भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा धूप है यार बाहर आज। ये देख लो उधर, ये देखो, ये देखो, हर तरफ धूप ही धूप है। तो चलते हैं आज अपनी टू व्हीलर पे कुछ ऐसे वाले गेटअप में, इंस्पायर्ड बाय मुंबई कर निखिल। तो परसों में आकाश भैया के यहाँ से हेयर कट करा के गया था, तो आकाश भैया बता दो आपका सैलून कब कब ओपन रहेगा? अभी फिलहाल हमारे सैलून 7 days चालू है जी, और अपना एड्रेस भी बता दो ताकि लोग आ पाए। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे भाई किसी ने हेयर कट नहीं कराया होगा तो यहाँ पे आके आप करा सकते हो, तो एड्रेस भी बता दो। एड्रेस है सदर कैनरा बैंक के सामने, रेसिडेंसी रोड। अच्छा ठीक है ना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल मैप्स की, तो डायरेक्ट वहीं से आप यहाँ पे पहुँच जाओ। और सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन मत लो, एक शॉट दिखा देता हूँ वो देख लो और समझ जाएगा आपको बाकी का। यश ने कल बोला था कि मेरे साथ वीडियो मत शूट कर क्योंकि भाई उसको दिखना था थोड़ा बहुत सेक्सी, तो आज ये बन रहा है सेक्सी भाई। तो कल यश ने बोला था हेयर कट हो जाएगा उसके बाद वो कैमरे के सामने आएगा अच्छे से, और मैंने सोचा कि कुछ हॉस्टल की मेमोरीज भी शेयर की जाएगी, वो करेंगे हम, तो चुप रहे। तो फिर हम वो भी करेंगे लेकिन अगले वीडियो के लिए कुछ छोड़ते हैं। और यश ने अपना फाइनली हेयर कट करा लिया, देख लो इसका नया लुक और कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है, ठीक है? तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। तेज तई वेट क्यों मंजे, अगले वीडियो तक मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।